हमें लगता है कि उस चीज को अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मगर उसके बाद जो बहन ने कहा कि हम जो हमारी माताएं बहनें अपनी घरों से जो राम कृष्ण हनुमान को बाहर करें, और जो है हमारे जो हमारे पूज्य देवता यही है डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी वजह से भगवान बुद्ध, जिनकी वजह से आज हम मंच पे बैठे हैं, आप सामने बैठे हैं, और जो ये बहुजन समाज आगे बढ़ता जा रहा है, मगर बाबा साहब के बाद जो इस संविधान के रक्षा करने की जिम्मेवारी, और जो हम लोग जो बाबा साहब की वजह से आज अपनी अपनी जगहों पे हैं, तो हमें हमारी भी एक दायित्व बनती है, हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम लोग पूरे करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी अपनी जगहों पे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विश्वविद्यालय में स्कूलों में शिक्षक हों, चाहे वकील हो, आईएएस आईपीएस हो, तो हमें हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी अपनी दायित्व को पूरा करें। मगर हमें लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत कम लोग अपनी जिम्मेवारी पूरा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तभी बाबा साहब का कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रहा, मगर बढ़ रहा है। तो हम लोग कर रहे हैं, मगर जो योगदान सब लोगों का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अनिल सागर जी ने जब कल आए हमारे पास भागते हुए, तो अनिल सागर जी से हमने पूछा, भाई किसको किसको आपने बुलाया है, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने किसी को नहीं बुलाया। बड़ा अच्छा ये है कि आप मंच पे हम प्रोग्रामों में अपने प्रोग्रामों में वैसे ही समाज के लोगों का सम्मान करें, जैसे बहन राखी रावण जी हैं, घूम घूम के बाबा साहब के जो मिशन का प्रचार करती हैं शशिभूषण जी, हम ऐसे लोगों का सम्मान करें, ना कि हम दिखावा करने के लिए किसी आईएएस आईपीएस डॉक्टर बड़े नाम ढूंढ के ले आए। आप जाएँ, आपके काम नहीं आएंगे, वो आईएएस आपसे नहीं मिलेगा, आईपीएस नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंजीनियर आपको अपनी चैम्बर के अंदर नहीं आने देगा, आप जिस काम को लेके जाएंगे आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ऐसे दिखावा करने के लिए हम वैसे लोगों को ना बुलाएं, वैसे लोगों का जो कर रहा है आप उसका सम्मान कीजिए, आप उनको बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उससे जो हमारे जो युवा, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे जो नवयुवक हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे आएंगे, वो भी करना चाहेंगे। मुझे एक अभी हाल में एक प्रोग्राम था जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार जी सोशल साइंस के जब एचओडी बने, तो एक प्रोग्राम छोटा सा ऑफिसर्स क्लब में रखा गया था, तो वहाँ पे हमारे एक महाराष्ट्र कैडर के, दिल्ली कैडर के, महाराष्ट्र के रहने वाले नागपुर के सचिन शिंदे जी आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो हमने एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हर साल जो सिविल सर्विस कम्पीट करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनको वो लोग बाबा साहब की जीवनी देते हैं और अलग से एक महीने मोटिवेशनल कैंप उनके लिए ट्रेनिंग में जाने के पहले करते हैं। तो हर लोग कर रहे हैं, मगर वो कम है, मगर हमें ये कारवा बढ़ाना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अनिल सागर जी ने जो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के पास में है, मैं तो चाहता हूँ कि ताहिरपुर गाँव के लोग जो है अस्पताल जाके वहाँ पर लाइन न लगाएं पर्चा बनाने के लिए। सरकारी अस्पतालों में आपको पता है 2-3 घंटे लाइन लगाने होते हैं, आप मत लाइन लगाइए, आप 3 घंटे अपने बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हमारे लोग काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, नौकरी करने वाले हैं, आप नौकरी छोड़ के 3 घंटे नहीं। आप मुझे अनिल सागर जी के माध्यम से आप इन्फॉर्म कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए, आप जैसे अस्पताल पहुंचेंगे आपको कार्ड बना हुआ मिलेगा। मैं अपने लोगों को भेजता हूं कि जाओ उनको डॉक्टर को दिखा के आओ, जाँच करवाना है, कहीं पर भी आप समय बर्बाद ना करें आप, क्योंकि हमारे लोग अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के चक्कर में एक दिन छुट्टी ले लेते हैं मजदूरी करने वाले, तो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, तो आप ये नुकसान नहीं सहे, अपने माध्यम से आए, आप हमारे पास आइए, अनिल सागर जी को इन्फॉर्म करिए, ये हमारे बहुत करीबी भाई है, ये हमें इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको सारी सुविधाएं, मैं चाहता हूँ वैसे ही दूसरे लोग जो अपनी अपनी जगहों पे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहब हैं, तो वहाँ पे जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं बीए एमए में पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर जो हैं वहाँ पे मोटिवेट करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का नंबर वन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी हम ऐसे छात्रों को निकालें कि प्रोफेसर राजकुमार के बाद ऐसा ना हो कि हम विश्वविद्यालय में कोई नाम लेने वाला बहुजनों का नहीं रहे। तो हमें पैदा करना है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर सुरेंद्र जो अभी पीएचडी कर रहे हैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस, लड़का बहुत बढ़िया काम करता है, छोटे भाई जैसा है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये कारवा बढ़ा रहे हैं, मगर हमें भी अपने चैम्बरों से अपने पद, जो अपनी अहमियत, अपनी ईगो, इसको भुला के आगे बढ़ के उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि हम ऐसा ना हो कि हमें हमारे बाद हमारे कारवां रुक जाए, हमें उनको आगे लाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल सागर जी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।